मैं शुरुआत दीपक रंजन आपसे करता हूं और सवाल ये, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि बांटने वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं जाति सियासत के नाम पर, इसीलिए इस एक नारे ने आपकी नींद उड़ा दी। राकेश जी, आप सभी को और आपके पूरे दर्शकों को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, हमने जो पोस्टर लगाए, हमने जुड़ने की बात की, हमने किसी को कटने की, मारने की, बांटने की बात नहीं की। अब तक करके पॉलिटिकल हिस्ट्री में, अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे खराब, सबसे गंदा बयान अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ ये बयान है। हमारे किसी कार्यकर्ता ने अगर ऐसा पोस्टर लगाया, वो तो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या उनको ऐसा बयान देना शोभा देता है? राकेश जी, आप किसको, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आखिर ये किसको बांटने और किसको काटने की बात कर रहे हैं? क्या बांट करके, काट करके राज करना चाहते हैं? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिनसे गलती हुई वो हमारे साथ जुड़ जाए, समाजवादी पार्टी को बाय इलेक्शन में वोट दें और आगे आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट दें। तो हम तो जोड़ने की बात करते हैं राकेश जी, लेकिन इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुआ व्यक्ति जो है वो इस तरीके की बात करे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बार बार, ठीक है, आपकी इस बात का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, पहला पोस्टर, दूसरा पोस्टर, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर है, पांच पोस्टर आप आ गए और पांचों पोस्टरों में जो नारा रहा वो इसी के इर्द गिर्द रहा, और बांटने और काटने की बात नहीं है, ये एहसास दिलाने की बात है कि बट गए हिंदू एकता की बात है, उसमें किसी के बांटने और काटने की बात नहीं है। दिक्कत यह है, दिक्कत यह है दीपक रंजन, कि हिंदू एकजुट हो गया तो जो मैंने सवाल पूछा कि पीडीए पीडीए वाला नारा पंचर हो गया। अब मेरा जवाब आ जाने दीजिए, इन पांच पोस्टर में जिसने भी पोस्टर लगाया क्या आप जानते हो उसको? नाम लिखा हुआ उसी के, किसने भी लगाया, सपा से जुड़ा हुआ आदमी है। नहीं, मेरे लिए इतना काफी है कि सपा से जुड़ा हुआ आदमी है, या तो दीपक रंजन आप खारिज कर दीजिए, खारिज कर दीजिए कि इन सभी पोस्टरों और नारों से मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, आप खारिज कर दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खारिज कर दें कि काटने बांटने की बात जो है वो गलत कहेंगे तो मैं खारिज कर देता हूं। खारिज कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, योगी आदित्यनाथ के चुनावी मंचों से दिया है, संघ ने इस नारे का समर्थन कर दिया है, पीएम मोदी ने एक लाइन आगे बढ़कर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो कहां अपने नारे से भाग रहा है, आप अपने पोस्टर से भाग रहे हैं तो बता दीजिए। अब तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे गंदा बयान है ये। अरे भाई, वो देश की जनता तय करेगी, वो देश की जनता तय करेगी कि ये गंदा नारा है, बढ़िया नारा है, कैसा नारा है, काटने वाला नारा है, बचाने वाला नारा है, वो देश की जनता तय कर देगी चुनावों में। जो देश की जनता ने तय किया इसी से हैरान परेशान है, घबराए हुए, हताशा में ये इस तरीके के नरकल बयानबाजी दे रहे हैं। अरे जो काम किया वो काम बताओ ना जनता के बीच में, आप बता दो ना, क्लियर कर दो, जनता क्लियरिटी चाहती है। अच्छा, कि किसको बांटने, किसको काटने की बात कर रहे हो आप? ठीक, चलिए सिद्धार्थ यादव, इनको क्या क्लियरिटी चाहिए आप जवाब दीजिए, बता देना किसके बांटने की बात कर रहे हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इतिहास का सबसे खराब बयान ये है, तो वो बयान कैसा था जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो फिर धरती हिलती है, देश के अंदर नरसंहार हो रहा हो और उस पर प्रधानमंत्री ये टिप्पणी दे तो क्या था? या जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि मैं आरक्षण का सर्त विरोधी हूं, आरक्षण लेने वाले बुद्धू हैं, जब मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर आरक्षण दिया गया तो देश की क्वालिटी कम हो जाएगी, वो कैसे बयान थे? आज जब इतने दिनों से आप कभी MY, कभी जातिगत अपना समीकरण बैठा करके, कभी तुष्टीकरण के लिए, कभी मंचों से खड़े होकर के कि हमने 14 हिंदू मरवा दिए, आप ही के पार्टी के नेता कहा करते थे, तब वो खराब बयान नहीं लगे आपको? आज अगर एकता की बात हो गई और ये कह दिया गया कि इस देश में एकता हो ये बेहतर है, क्योंकि अगर एकता नहीं होगी तो आप अत्याचार को आमंत्रण देंगे, ये आपको बड़ा खराब लगा? अगर ये कहा, दीपक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अगर ये कह दिया गया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये बहुत खराब लग गया आपको? वाह भाई वाह, आपकी नीति, आपकी रीति हमेशा एक वर्ग के विरोधी और दूसरे वर्ग के तुष्टीकरण वाली रही, वो आपको खराब नहीं लगा? आप ही के पास, ये कमाल की बात है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको जाकर के अपनी पार्टी के इतिहास में थोड़ा सा खंगालना चाहिए, और आज ये जो घबराहट है ना, ये घबराहट इसीलिए निकल करके आ रही है। आप भी तो यही कहना चाह रहे हैं, अरे हमने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे,
जुड़ेंगे, साथ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कहना तो कौन? यही पड़ रहा है। एमवाई वाले, ये पीडीए का झूठा ढकोसला देने वाले, ये लोग भी आज कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि हिंदू समाज जाग चुका है, और सब लोग जो बांटने का प्रयास किया करते थे अब वो बांटने में सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनकी बातें ठीक है ऐसे ही चल दीपक रहा रंजन, है। आप बात कहिए, लेकिन सिद्धार्थ यादव की इस लाइन में एक सवाल है, और सवाल यह कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे, तो भाई आप भी तो यही कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और अगर नहीं जुड़ पाए तो अच्छा क्या? नहीं राकेश, नहीं एक मिनट, राकेश भाई अगर नहीं अब जुड़ मेरे पास पाए आ तो जाइए। क्या? तो भाई ये सीधे अब सीधे एक नहीं, सवाल है, और जिसकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं दीपक रंजन, कि ये हिंदू वोट अरे बैंक की भाई पॉलिटिक्स है, वो एकजुट रख रहे हैं, आप उसको जातियों में बांट रहे हैं। मेरे भाई मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ अपने काबिल दोस्त से, बार बार मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि किसके कटने और किसके बटने की बात कर रहे हैं, आप किसके इसको जुड़ने की बात कर रहे क्लियर हैं? इसको हाँ? आप किसके जुड़ने अब की तो बात कर रहे हैं? हमने तो कहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो समाजवादी नहीं, पार्टी से आप जुड़े, किसके किसके जुड़ने की समाजवादी बात कर पार्टी। रहे हैं? मैं तो बोल तो रहा हूँ कि जिसने जो है गलती की इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, हाँ। वो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े, अच्छा एक इंडिया चीज बताइए गठबंधन के दीपक साथ रंजन, जुड़े। मेरी एक बात दीपक मेरी भाई बात एक बात मैं बताइए, ना ना प्रियंका आऊंगा देखिए इसके देखिए बाद। नहीं, राकेश एक भाई, चीज बताइए, मैं आप ही के पास हूँ दिवाली दीपक का रंजन, सुनिए त्योहार ना। है, अरे सुनिए दिवाली भाई, का अरे त्योहार एक है, सुनिए, कम से आप कम आपसे आज के आपके दिन तो पोस्टर के समय दे बारे में पूछ दीजिए, रहा, आज मुझे के एक चीज दिन तो बता, समय दे दीजिए, अरे सुनिए मैं आप ही इनकी को, बात का जवाब, अरे आप ही मैं को इनकी समय बात दे का रहा हूँ, जवाब एक दे दीजिए सवाल सुन लीजिए, एक मिनट विदाउट बोलिएगा, इंटरप्शन आप एक दीजिए। सवाल हाँ सुन लीजिए, एक मिनट बोलिएगा। ये जुड़ेंगे बताइए, तो जीतेंगे का जो नया पोस्टर है, ये नारा किसके लिए? पीडीए के लिए है, एमवाई के लिए, किसके लिए है नारा? मैंने बार बार कहा ना कि जिन्होंने 2024 में थोड़ी बहुत गलती कर दी, उसके पहले गलती की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, वो समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ेगा मतलब तो पीडीए के अच्छा लिए नहीं होगा है, उस देश के लिए। हैं मतलब पीडीए के लिए नहीं है पीडीए वो तो, नारा? पीडीए से तो हमारे इतने घबराए हुए हैं लोग, और ये अरे बार भाई, बार कर रहे हैं अरे देश वो में घब, अरे जवाहर एक मिनट नेहरू। दीपक अरे भाई, मेरी एक बात अब क्लैरिटी कर दीजिए देखिए ना। देखिए सेकंड मेरी तो रिपोर्ट में पूरी 5 मिनट बात, की पूरी रिपोर्ट में बात आखिरी में एक सवाल था कि ये किसके लिए नारा है, तो ये ये पीडीए के बता लिए, दे किसके एमवाई के लिए, लिए, मुझे क्लियर कर दीजिए किसके लिए नारा है, या फिर ये सबके बता दे लिए है? कौन बटेगा कौन कटेगा, ये अरे बता दे कौन बटेगा कौन अरे कटेगा, भाई, देश का प्रधान, देश दीपक का भाई, प्रधानमंत्री विदेश अरे की दीपक भाई धरती पर सुनिए जाके ना, अरे कहता है सुनिए, कि आपकी हिंदुस्तान आपकी में उस बात का चलने का पाप जवाब, है, अरे सुनिए, मैं देश आपके का सवाल ये को चलेगा, ट्रांसफर कर दे जवाहरलाल रहा हूं, नेहरू इतिहास में चलेगा, अरे ये सुनिए ना दीपक वर्तमान के रंजन, प्रधानमंत्री सुनिए, ने क्या कहा था, आपके इस सवाल को वर्तमान के मैं ट्रांसफर प्रधानमंत्री ने कर दे क्या रहा कहा हूं, था, ट्रांसफर अरे बता, कर दे रहा हूं वर्तमान के सिद्धार्थ के प्रधानमंत्री पास ने क्या कि कहा ये था, नारा किसके लिए अरे भाई था क्या कर, मेरे। क्या अरे मुझसे बात कर रहे हो आप, भाई, ये ये किसके लिए नारा कटोगे अरे तो बटोगे, अरे ये सुनिए नारा ना दीपक देश भाई, का अरे प्रधानमंत्री कह अरे रहा मत मत है, बौखलाइए ये इतना, कहां से कहां चले गए, 1947-48 में चले गए, ये बताते वर्तमान के तो आप प्रधानमंत्री ने भी तो क्या कहा पीछे था चले जा कि रहे हैं ना विदेश दीपक की भाई, मैं धरती फिर में, दोबारा, अरे कि दीपक भाई देश सुनिए, में सवाल हिंदुस्तान में दीपक जन्म भाई, लेना ही सवाल तो सुनिए थोड़ा पाप है, दीपक भाई, सवाल ये कौन सुनिए, सा बयान है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा किसके लिए है? मुझे तीन विकल्प समझ में आते हैं, या तो पीडीए के लिए, या एमवाई के लिए, या फिर सबके लिए, इस देश के आम नागरिकों के लिए, सबके लिए बराबर तौर पर नारा है, किसके लिए? एमवाई को हराएंगे, मोदी योगी को हराएंगे, अभी आप कंफ्यूजन में, एमवाई का मतलब अरे मैं मैं बता देता कोई, हूं, एमवाई का मोदी भाई मैं योगी, आपसे, आपके एमवाई से क्या मतलब है, आप एमवाई मैं एमवाई किसको कह रहे हैं आप बताओ, राकेश जी, मैं आप बता एमवाई देता हूं, किसको कह रहे हो चलिए आप बताओ, सिद्धार्थ अब नहीं यादव एक बता, रिप्लाई, फिर उसके बाद मैं पूछा प्रियंका क्या, और सुजाता नहीं आपके आप पास आऊंगा, बताओ एक ना, मिनट प्लीज, अरे आप बताओ ना एमवाई सिद्धार्थ से यादव, क्या मतलब देखिए है आपका, राकेश जी आप पे कितना गुस्सा हो भारत रहे हैं क्रांति की समाजवादी पार्टी राजनीति के आप प्रवक्ता, कर रहे हो, एमवाई आप एमवाई देश किसको का बोल रहे हो, प्रधानमंत्री किसको कह रहे हो बोल रहे हो? पाप अरे है, आप किसके लिए कहते थे वो हिंदुस्तान में बता दो, जन्म मैं लेना बता पाप देता है, हूं उनका जुड़ेंगे और हिंदुस्तान में जीतेंगे जन्म किसके लेना लिए पाप है। है, शर्म जब से उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के को उपचुनाव शर्म आए, आनी चाहिए उनके राकेश जी प्रवक्ता थोड़ा को, सा पानी इस पर पीजिए, सफाई नहीं कुछ दे कुछ पाएंगे, कुछ आराम करिए, प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे ना दीपक करिए। भाई सुन मैं लीजिए, आपने आराम जो आप कर सवाल रहे पूछा हो, वो ट्रांसफर 24 कर में दिया जन्म लेना था, आपको आराम दे बटेंगे तो दिया, कटेंगे का अरे नारा किसके लिए? दीपक अरे ये रंजन, ये बता सवाल पूछ देना रहे कि हैं देश सिद्धार्थ का यादव, अपनी प्रधानमंत्री ने बातों के क्या साथ कहा इसका रिप्लाई था, करिए। अब जन्म दीपक लेना रंजन क्यों प्लीज कहा था, प्लीज प्लीज प्लीज, अब हिंदुस्तान दूसरे में जन्म प्रवक्ता की लेना बात पाप सुनिए है, भाई, वरना सुन नहीं पाएंगे जन्म पाप, क्या बोलकर गए सुन मेरी सिद्धार्थ बात यादव, सुनो ना, सुन सुन लीजिए। मेरी बात राकेश जी सुनो, आपको इनको मैनेज आप करना मेरी पड़ेगा, बात मैं तो सुनो, बता देता हूँ जुड़ेंगे और सुनो ना, जीतेंगे किसके लिए कह रहे हैं। देखिए जब उपचुनाव इन्होंने डिक्लेयर करे, कांग्रेस पार्टी बहुत इच्छा रखती थी कि मैं लड़ूं, जैसे समाजवादी पार्टी इच्छा रखती थी हरियाणा के अंदर, पर ये क्योंकि इतने बिखरे हुए हैं, ये आपस में नहीं जुड़ पा रहे, अब उन्होंने एक भी टिकट नहीं दी, बिल्कुल कांग्रेस को साफ कर दिया, कांग्रेस मुक्त उत्तर अरे प्रदेश बना बटोगे दिया, कटोगे तो तो क्या समाजवादी करेंगे, पार्टी वो तो मैसेज नारा देना चाह मात्र रही है प्रवक्ता कि अरे जी, जुड़ जाइए, कौन बटेगा जुड़ेंगे तो कौन शायद कटेगा, कौन जीतेंगे। बटेगा।